प्रदेश विधानसभा का सत्र आज शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। पहले ही दिन सदन के बाहर और अंदर सपा नेताओं ने जोरदार हंगामा किया। जहां एक और सपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने विरोधियों को इसका जवाब जय श्री राम के नारे लगा कर दिया। सत्र की खास बात ये रही कि बीजेपी के विधायक राम नामी पटका पहने विधानसभा पहुंचे थे। बीजेपी विधायकों ने गले में राम नाम का पटका और राम नामी गमछा पहना था। बीजेपी विधायकों की इस लिबास की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात की थी। बातचीत के दौरान उन्होंने राम मंदिर के लोकार्पण पर बधाई दी। के वर्ष 2024 के सत्र शुभारंभ के अवसर पर स्वागत करता हूं। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने की हृदय से बधाई देता हूं। वहीं सपा नेताओं के हंगामे पर बीजेपी विधायकों के बयान भी आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी विधायकों का कहना था कि राम मंदिर से जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हम इस रंग में रंगे हैं। वहीं बीजेपी विधायकों ने सपा पर तंज भी कसा है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा है कि उनको राम से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आज भी उन्होंने विरोध किया है। सपा नेताओं के विरोध पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया को बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। विपक्ष का हंगामा, विपक्ष अपना अंत चाहता है, देश का विकास नहीं चाहता। देश के विकास के लिए सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विधानसभा का वीडियो पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेल में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने पीडीए के अधिकारों के हनन, महंगाई, बेरोजगारी और भारतीयों में आरक्षण की धांधली, बदहाल कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध किया है। वहीं बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2024-25 का बजट भी उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत होगा। वर्ष भर की आय और व्यय को लेकर सदन में चर्चा होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।